और बढ़िया तर्क भी तर्क। देवी भैया सवाल हर आदमी अपनी बड़ी मेहनत से लिख कर लाता है, परीक्षा उसके जवाब की होती है, और इसीलिए इसको जवाबी कीर्तन कहते हैं। नहीं, इसका नाम सवाली कीर्तन होता। और क्या? आपने जो जवाब दिया है, अब आप कह रहे हैं कि बहन जी मैं कुछ नहीं कहूंगा जवाब के लिए, तो अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मेरा भी धर्म बनता है, मैं कुछ ना कहूंगा। ये बात बेटे, शाबाश। बाकी जवाब आपका जैसा है। आप कह रहे कि मैं रास्ता काट रही हूँ, मैंने सुषमा स्वराज जी की बात की, तो मैंने अरुण जेटली जी को क्यों कह दिया? अरे केवल अरुण जेटली ही थोड़ी चले गए, बहुत नेता चले गए। आप जिसको चाहते उसको पहुंचा देते, वहाँ सरकार बना देते। मीटिंग चल रही है वहाँ। बस आप करें कि कैसी फीटिंग है। फीटिंग नहीं होता, वो फिटिंग होता है। फीटिंग क्या होता है? फीटिंग क्या है? अब चूंकि मीटिंग लानी है तो उसको फीटिंग किए दे रहे हैं। जबरदस्ती का माठा है। आप तो कलम के जादूगर हैं। आपको लोग बुंदेलखंड में कलम का जादूगर कहते हैं, और फिर ऐसे गुरु के चेले हैं आप, जो खुद इतने बड़ी महान हस्ती हैं। दादा राम सुरेश द्विवेदी जी तो वो तो खुद कलम के बहुत बड़े धनी हैं। धनी है, तो फिर आपसे तो ये कमी होनी नहीं चाहिए। फीटिंग फीटिंग चलिए ठीक है, मीटिंग चल रही है। हेलो हेलो, थोड़ी बढ़ा दे भैया, कट्टीज आपने दिया है। अब आप कह रहे थे कि क्रांतिमाला दी आपको जवाब में, अगर मैंने पग लिया था तो हाथ ले लेने चाहिए। पहली बात तो कलाकार दूसरे कलाकार से नहीं पूछता हमें क्या लेना चाहिए, उतना समय नहीं मिलता जितना समय में जो सोच पाता है वो देता है। और फिर हाथ आप बता रहे हैं कि भगवान राम एक हाथ केवट पर रखते हैं, हिलने लगते हैं भगवान, तो केवट कहता है दोनों रख दीजिए। अच्छा अच्छा, जब मैं जवाब गा रही थी तो आपने सुना नहीं, मैंने अपने जवाब में कह दिया कि भगवान श्री राम ने अपने दोनों हाथ केवट के सर पर रख दिए, और केवट यही चाह रहा था कि भगवान राम मेरा सर पकड़ लें, मुझे अपना आशीर्वाद दे दें। तो ये आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं? क्या करूं? फिर आप कह लेंगे पहला दूसरा, मैंने अपने जवाब में पहला पग दूसरा पग नहीं कहा, मैंने एक पग दो पग कहा। ये कैसेट बन रहा है, मैं ये गलतियां बहुत कम होती हैं मुझसे। क्या? एक पग में नाप लिया, दूसरे पग में नाप लिया। मैंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट पग में नाप लिया, सेकंड पग में नाप लिया। पहला दूसरे में अंतर होता है, और क्या, लेकिन सब अच्छा है। अच्छा, जैसा जैसा बड़े चलेंगे वैसा वैसा छोटे चलेंगे। और क्या? शाबाश शाबाश, मीटिंग चल रही है। हमको ये समझ में नहीं आया जवाब में। चले, यहाँ तो सुषमा जी का एक सपना था कि कश्मीर हमारा हो जाए, और वो हो गया। अब आप ऊपर की मीटिंग बता रहे हैं, ये भी चले गए वो भी चले गए, ऊपर मीटिंग बन रही, उस मीटिंग से यहाँ के भारत का क्या भला हो रहा है? बताओ, कहाँ की मीटिंग चल रही है? वहाँ की मीटिंग से यहाँ क्या भला हो रहा है? वहाँ यमराज की मीटिंग चल रही है। वहाँ की मीटिंग से हमें क्या लेना देना? और क्या, काले रंग की कुर्सी है, बैठिए आराम से। वहाँ की मीटिंग से क्या लेना देना? चलिए। गीत आया आपका। सारा सारा दिन तेरी याद सताए,
में तेरे एक पल चैन ना तूने प्यार की बीन बजाई। जेपी भैया गाने में छोटा सा काम है बजाई है प्यार की बीन बजाई। मैं दौड़ी चली आई मैं भागी चली आई पहले बेटा यूट्यूब में कुछ दिन देखो बउआ को। पुनीत भाई बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सुन रहे हैं। वैसे लड़का तुम बढ़िया हो यूट्यूब देखते रहो। क्यों हटा कर खाप का दाना उठाना सीख लेता है। हटा कर खाप का दाना उठाना सीख लेता है। परिंदा चार दिन में पर फड़फड़ाना सीख लेता है। और गरीबी ला के देती है बिना मांगे हुनर ऐसा कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है। नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है और क्या, और सीख ही लेगा ये नाजुक पांव भी सीख ही लेगा ये बात। बहुत बढ़िया खट्टी। मेरी दाई आंख कानी तेरी बाई आंख कानी हो। कटपी सुन के ऐसा लग रहा है एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। पता नहीं क्या हो गया कीर्तनकारों को आजकल। अरे जेपी भैया आप ऐसे गीतों के लिए नहीं जाने जाते ना। आपकी कलम में तो बड़ी ताकत है। हम लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द होता है लेकिन आज पता नहीं कौन कौन सी डायरी से गाने निकल रहे हैं। दाई आंख कानी बाई आंख कानी पहले में भी एक पग दो पग सब चल रहा है। चलिए अब जो आपकी मर्जी है आपका मन है। अब कोई बात ऐसी आनी है जिसमें दायां बायां आ जाए क्या? और शरीर का कोई अंग भी आ जाए। लेकिन जगह मिल नहीं रही। मिलने को तो बहुत है शरीर के अंग और भी जहाँ चाहे। शनिदेव को चोट लगी टांग भी टूटी हाथ भी टूटे तो दायां बायां हाथ तोड़वा कर सब जवाब पूरा। लेकिन मैं जवाब में प्रयास कर रही हूँ अच्छी बात आ जाए। के देखा जब के भट्ट वो धोता ये है बउआ पांडे यूट्यूब का सहारा ले। देखा के भट्ट जब धोता है रघुवर के वो चरण है तो लक्ष्मण सोचे नहीं ये धोता सीता माँ के चरण है। लक्ष्मण सोच रहे कि ये केवट भगवान राम के चरण धो रहा है सीता मैया के क्यों नहीं धो रहा है क्या कारण है क्या कारण है। तो मेरी पंक्ति सुनिए। माता सीता समझ गई और मैया ने कहा मुझ में और राम में कोई अंतर नहीं है बेटे। जो आशीर्वाद इनके चरणों से इसे मिल रहा है वो ऐसे भी इसे मिल जाएगा। क्यों सुनिए। माता सीता ये बोल पड़ी बानी कि ये बात तुमने क्यों नहीं जानी ये
बात तुमने क्यों नहीं जानी। जो प्रभु राम के चरण हैं, जो इनके पग में हैं, उनके दाएं में निशानी तो मेरे बाएं में निशानी हो। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। ये है, देखिए चरण भी आ रहे हैं, दाया बाया भी आ रहा है, निशानी भी आ रही है। ये है पढ़ाई लिखाई। जैसे कौआ की आंख कानी, शुक्राचार्य की आंख कानी, और दोनों में कानी की निशानी, और फिर दोनों ही बहुरानी, तो बिल्कुल वैसा ही है निशानी। लेकिन ये निशानी ऐसी है जो बिल्कुल पुख्ता है, उसको गलत नहीं किया जा सकता। जो प्रभु राम के दाएं पैर में चिन्ह बने हैं वही जानकी के बाएं में है, जो जानकी के बाएं में है वो भगवान श्री राम के दाएं में है। ये बात तुमने क्यों नहीं जानी, ये बात तुमने क्यों नहीं जानी, तो उनके दाएं में निशानी वो मेरे बाएं में निशानी, जो प्रभु के बाएं निशानी वो मेरे दाएं में निशानी। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं भैया, मंचला जी सुनिएगा। जला कर राख जब दैत्यों ने, अब प्रसंग को सुनिएगा। कच को जलाकर उसकी राख को दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को पिला दिया, और जब पिला दिया तो शुक्राचार्य जी ने कच से कहा कि बेटा मैं तुम्हें मृत संजीवनी की विद्या सिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना। और ध्यान क्या रखना? क्या? अपने उदर में तुमको तो मैं, शुक्राचार्य जी ने कहा, अपने उदर में तुमको जीवित कर तो दूंगा चेले, किंतु कही तू कहीं तू उधर फाड़ कर जान से ना मेरी खेले। मैं तुझे जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरा ही पेट फाड़ के फिर मेरा सिर दर्द बन जाए। तो देखे कहा, विद्या दूंगा तुझे बेटे पल भर में, विद्या दूंगा तुझे बेटे पल भर में, और अब से तेरी जान मेरे कर में, और मेरी जान तेरे कर में हो। और यही हुआ पहले चेला मरा, गुरु ने मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी, उनको जीवित किया, लेकिन जब चेला मरा तो पेट फाड़ कर देखिए गुरु को जीवित कर रहा है। और यही अदला बदली चल रही है, तेरी जान मेरे कर में, मेरी जान तेरे कर में। कन्हैया लाल की जय। ये आपके